इसी संबंध में आज हम करेंगे। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि प्लीज टेल मी अबाउट योर बर्थ एजुकेशन एंड पेरेंट्स। Major achievements.
and who are the key group members? My major achievements to essay is group ko banane ke alawa ya mera ye manche outcome haan so is group ka sabse bada outcome or achievement ye hai ki air connectivity of Bhopal jiske bare mein ek saal pehle tak koi baat nahi karta tha has become a major topic of discussion whether you talk about state government central government citizens or administration ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट हम मानते हैं आज तक और इसलिए बाकी जो चीज़ें हुई हैं वो इसलिए हुई हैं क्योंकि अब इस सीट के बारे में बात होने लगी है स्टेट गवर्नमेंट ने अपने प्रयास किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने प्रयास किए अथॉरिटीज ने अपने किए और एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने किए तो वो एक बाकी सब माइलस्टोन्स अचीव होते गए उसमें ईच स्टेट एज इनिशिएटर्स एंड एग्रीगेटर्स जन समूह को इकट्ठा किया है और अवेयरनेस बनाई यही हमारा इतना ही काम और इसमें की मेंबर्स जो मेरे साथ हैं शुरू से ये तो मैंने पापा के साथ शुरू किया था बट पापा को मैंने पापा वांटेड टू हेल्प मी सब कुछ था पर मैं चाहती थी कि ये एक फैमिली के उससे नहीं जाना जाए ये भोपाल का ग्रुप होना चाहिए एंड मैंने पापा से बोला तो ऑब्वियसली उन्होंने उस चीज़ को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके ही नेवर इंटरफेयर तो शुरुआत पापा के साथ हुई बट मेरे की पार्टनर्स उसमें जो सेकेंड डे मैंने ऐड किया वो मेरी बहुत दोस्त ने भेजा मार के जो भोपाल के लिए मान्य रहे थे बैंगलोर में रहेंगे उन्होंने मेरे साथ इस ग्रुप को वो एडमिन किया कुछ दिन तक एक महीने उन्होंने किया उसके बाद हमारे साथ हमको ये समझ में आने लगा कि दोनों के बस की बात नहीं इतनी पोस्ट आने लगे थे मेम्बरशिप रिक्वेस्ट आने लगे इनफैक्ट हम एक महीने में 27 से 8 हज़ार रहे तो एक हम लोग ऑब्जर्व करते थे और एक हमारे साथ थे सर तो बहुत बैलेंस्ड अप्रोच पोस्ट लाइक्स तो हमको लगा शायद इनके साथ अगर हमारी पार्टनरशिप होगी इनकी फिल्मी हमसे मिलती तो हम लोग इनको अप्रोच किया और इन्होंने हमको आज स्मार्ट मॉडल चलने की तो वो थी फिर उसके बाद हमने दो तीन और बोर्ड मेम्बर्स आए जिन्होंने किया कुछ काम और फिर बट उसके बाद के बाद हमने सिस्टमैटिक वो ये कैंपेन लॉन्च किया ट्विटर कैंपेन मेरा जो ट्विटर कैंपेन था या हमारा उस समय का जो ट्विटर कैंपेन था वो ऑफ एंड ऑन कभी ट्वीट कर दिया कभी नहीं किया तो एक हमारे बहुत एक्टिव मेम्बर थे मेरी शुरुआत से उन्होंने बोला कि इसको आप अगर ऑर्गेनाइज करते हैं इसको आप हर एक दिन निश्चित कर दो इसके लिए तो आपके लिए मैनेज करना और टॉपिक सजेस्ट करना बेहतर रहेगा तो की टू चार्ज ऑफ दैट कैंपेन मीन वन ऑफ आर बोर्ड मेम्बर्स नाउ मनीष श्रीवास्तव वो जो बाहर में रहते हैं और उनका अपना बिजनेस है मनीष का कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बिजनेस बहुत डिटेल में मैंने हाँ कंप्यूटर से रिलेटेड अपना कुछ काम है और तो एक मनीष श्रीवास्तव है उसके अलावा हमारे साथ एक तहसीन बादशाह सर हैं हमारे को ग्राउंड पे लेवल पे मीटिंग के लिए ज़रूरत होगी क्योंकि ऐसे थोड़े से मच्योर मेंबर्स थोड़े से समझ के बात करने वाले लोग और बादशाह सर इज एक्सट्रीमली वेल बैलेंस्ड वाइज और साथ में त्यागी सर हैं इज अ कर्नल इन द आर्मी सो ही इज ऑल्सो वेरी एंथुजियास्टिक और जोश में और बहुत संभले हुए सजेशंस और वो देते हैं वेरी लाइटली नेवर से नो वाले हैं तो ये हमारा कोर टीम जिसको कहते हैं ये है उसके अलावा हमारा एक और टीम है जो कि 20 से 25 मेम्बर्स का है जो हमारा ट्विटर ग्रुप है उसमें हमारे काफ़ी हेल्थी डिस्कशन और पोस्ट कॉलेज होते हैं उसकी भी एक अपील What support the group has received from government, airport authorities and general public? एक्सट्रीमली
positive, receptive, जो भी आप कहेंगे वो आप एक एक बार खुद ही नोट करके एंड शी एक्चुअली वर्क कर रही है. तो कार्गो एक्चुअली इज अ रिजल्ट ऑफ मैन से सिर्फ उनके एफर्ट से हम लोगों ने तो मतलब हमारा काम सिर्फ इतना था कि उनको अप्रोच किया, बाकी जो किया वो उनके एफर्ट से. सिमिलरली एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट डायरेक्टर जो हमारे यहाँ मिले थे, कभी उन्होंने किसी मीटिंग के लिए हमको बना नहीं किया, कभी उन्होंने हमारे किसी सजेशन को ये नहीं बोला कि नहीं ये नहीं हो सकता ये नहीं, इवन लुक एट इट बात. और कभी उन्होंने ऐसा नहीं है कि आपने उनसे कुछ पूछा और उन्होंने आपको ब्रश ऑफ किया. वेरी पॉजिटिव, वेरी अप्रोचेबल. और जनता जो मेरी तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरा वो है, मतलब हर आदमी हमारे ग्रुप में सो जो 43,000 लोग जुड़े हुए हैं और आप तो ग्रुप के मेम्बर हैं तो आपके ग्रुप का माहौल देखा हुआ, तो वो जो अपनापन है, जो बॉन्डिंग है, जिसके साथ जो विश्वास है लोगों में कि हम ये कर सकते हैं, जो पॉजिटिविटी है वो कन्वे होती है ग्रुप के बाबा. तो ग्रुप मेंबर्स स्टडी बढ़ रहे हैं उस समय क्या होता है, हम लोगों ने चारों में वी आर रीच्ड ऑन पेपर वी आर रीच 1.70,000 लोग देखने लगे थे. वो तभी होता था फेसबुक की एक पॉलिसी थी कि आपने किसी को इनवाइट भी भेजा तो आपके ग्रुप का मेंबर देखने लगा, फिर बीच में उन्होंने अपना पॉलिसी चेंज किया और हमारा नंबर एकदम से कम होकर 32,000 तक पहुँच गया. दिस इज इन फरवरी 2019, तब से अभी तक हम 43,000 बढ़ रहे हैं स्टडीली. वीकली हम 100 से 150 स्पॉट्स. सांची में हमारे पास तो पटना, सांची, श्रीलंका का रोड एक
भोपाल खजुराहो अगर हम डेवलप करते हैं तो वो दो दिन आगे ही भोपाल में रुके थे लेक का। हमारे पास जो धरोहर है वो आई थिंक की इतनी धरोहर किसी के पास भी होगी जिसको हम इंटरनेशनली हाईलाइट कर सकते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से अभी ये एक्सपेक्टेशन है शायद कि कहीं भोपाल के टूरिज्म को वर्ल्ड मार्क पर लाया जाए। अभी भोपाल की अगर बात करें तो ब्राजी के अलावा कोई कुछ नहीं सोच रहा है। चेंज आर परसेप्शन थी सेकेंड बैक हमारा 25% जैसे भोपाल में और बैक से एक सब्जेक्ट है तो बैक कम होना चाहिए मोस्टली 4-5%। तो हमारा नाइट लैंडिंग फैसिलिटी हमारे वक्त है वो नहीं है वो होना चाहिए। तो दो तीन चीज़ें ऐसी नहीं करनी चाहिए और मीडिया से मेरे और एक्सपेक्टेशन हैं सर इन द सेंस कि दिस कैंपेन का भी अच्छा है दिस पीपल्स मूवमेंट का भी अच्छा है इस तरह के मूवमेंट्स को अगर मीडिया हाईलाइट करता है तो उससे और सारे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है किसी और इशू के बारे में बात करने के लिए और ना डेवलपमेंट उनको ये लगेगा कि हाँ लोगों के साथ आने से कुछ होता है। सो इफ दिस काइंड ऑफ इशूज आर टॉक अबाउट इफ मीडिया वर्क्स विद आवर कैंपेन और एनी अदर कैंपेन किसी भी कैंपेन के साथ आप करते हैं तो वो जो लोग सिटीजन्स उसमें इन्वॉल्व थे वो एनकरेज फील करेंगे उनको हाईलाइट मिलेगा और उनको ये लगेगा कि मेरी बात कहने के लिए मीडिया एक मीडियम बन जाता है मुझे अकेले नहीं चिल्लाना पड़ता है। क्योंकि फेसबुक पर अगर मैंने मान लीजिए ग्रुप बनाया मेरे 40,000-50,000 मेंबर्स हैं तो विजिबिलिटी कहाँ है वो सिर्फ उस ग्रुप के अंदर हमको एक्सटर्नल विजिबिलिटी हमको मिली ट्विटर प्लेटफॉर्म से हमको अलॉट ऑफ और प्रिंट मीडिया ने हमको बहुत सपोर्ट किया कई प्रिंट मीडिया ने हमको बहुत सपोर्ट किया ऐसा नहीं बट द सपोर्ट दैट शुड हैपन वेयर इन टर्म्स ऑफ हाईलाइटिंग पीपल्स कैंपेन चल रहा है उसने ये किया उसके अलावा हाईलाइटिंग दिस एज अ पावरफुल पीपल्स मूवमेंट आने कैंपेन और एक टूल कि आप इसमें अहिंसक तरीके से इतने पॉजिटिव तरीके से भी अपनी डिमांड सामने रख सकते हैं। तो अभी जैसे आप पेपर पढ़े तो आपको हनीक्राफ्ट दिख जाएगा या आपको व्यापन दिख जाएगा पर आपको सड़क बेटे बढ़े वो सेकेंड पेज पर रखेंगे। सो इफ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इशूज दैट आर गोइंग टू अफेक्ट या प्रेजेंट वो फ्रंट पेज पे रहें वो आगे रहें तो शायद लोग भी उसी तरह से सोचेंगे और हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी यही सोचेंगे इसको दाल पसंद है तो मैं इसको दाल देता हूँ। अभी तो यह है कि मेरे को पिज्जा बर्गर साहब इस तरह का स्कैंडल पसंद है मुझे ये पसंद है लड़ाई झगड़ा पसंद है तो वो लोग भी उसी तरह के इशूज़ आपको दे रहे हैं और आप उस पर किसी और के क्रिएटेड इशू पे एजिटेट हो गए ये तो टूरिज्म का आपने बताया उसके अलावा डू यू हैव एनी अदर प्लान्स इन फ्यूचर ऑफ योर ग्रुप? सर हमारा जो ग्रुप है वो एक ऑनलाइन सपोर्ट मिलने वाली है जिसमें हम लोग बाहर रहते हैं मैं बैंगलोर में रहती हूँ और ये इस ग्रुप का चेयरमैन भी एम ये था कि हर आदमी जो ग्रुप से जुड़ता है उसके पास 10 मिनट दिन के होते हैं और उतना ही टाइम अगर हर सिटीजन अपने इशूज़ के लिए काफ़ी होता है तो दूर रह के अभी मेरे लिए एयर कनेक्टिविटी और टूरिज्म पे काम करना इस मच मोर पॉसिबल। भोपाल के लोकल इशूज भी बहुत है शायद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है क्योंकि सड़कें भी दिखती हैं और वो हर जगह पे होते हैं बट राइट नाउ मैं अपनी बात करूँ खुद की बात करूँ तो हमारी बैंकर तक उनको ये अलाउड अगर मैं भोपाल में होती तो एक और प्लस टाइम एक के बाद इतना अभी तो नहीं बचता है क्योंकि 18-18 घंटे चले जाते हैं सर देखा। सो पर इच्छाएं बहुत हैं मतलब मैं चाहती हूँ कि इसी ग्रुप से लोग जो भोपाल में रह रहे हैं वो इनिशिएटिव लें और पीपल्स ग्रुप बनाए ऐसे जो पीपल फोरम की तरह भोपाल के बाहर आ गए और इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको आगे बढ़ाएँ मेरी तो हमेशा इतनी इच्छा। What kind of support you are seeking or you would like to have from Metro Mirror think tank called Forward India Forum? Sir, support ye ki aap hamari you have seen our group, you have seen our issues. Yes. To main ye chahti hu ki aap in sab issues ke bare mein baat kare unko macro level pe aapne abhi dekha usko micro level pe ek ek issue ko sab issue bana
उसके बारे में छोटे छोटे अवेयरनेस कैंपेन्स, जैसे टूरिज्म में अगर हम टूरिज्म की बात करें, अगर भोपाल में टूरिज्म बढ़ता है तो भोपाल में इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, भोपाल में क्लिनलीनेस बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन समझेगी, बिकॉज जब टूरिस्ट आते हैं तो वो अपने आप उस चीज़ के बारे में थोड़े से कॉन्शियस होते हैं, तो वो टूरिज्म के क्या फ़ायदे होंगे, एयर ट्रैफिक बढ़ेगा, इन जनरल समृद्धि बढ़ेगी। दूसरा, जब हम एयर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि एयर कनेक्टिविटी में प्रेजेंट एयर ट्रैफिक नहीं है, उसका ये होता है कि एयर कनेक्टिविटी भी एक क्रिएटेड डिमांड होती है, जिसने अभी तक एयर ट्रैफिक नहीं किया उसको एयर कनेक्टिविटी के बारे में भी नहीं पता है। जब आप 2000 के टिकट से 1800 के टिकट से आप अपने मिलते ट्रैवल करोगे और छोटे छोटे घंटे बचाओगे तब आपको एयर कनेक्टिविटी की इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगी। तो ये इशू की एयर कनेक्टिविटी इज अ क्रिएटेड डिमांड और धीरे धीरे पिकअप कर रही है, उस बारे में आप बात करें तो वहाँ वहाँ के आप अगर भोपाल में देखें तो अमृतसर के आसपास के 1,00,000 लोग, वेस्ट बंगाल के आसपास के 50,000 परिवार हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डेलीकेटली और एक सिस्टमेटिक तरीके से एनालाइज करके एक्चुअली नंबर्स वगैरह के साथ आर्टिकल्स पब्लिश करें तो शायद विजिबिलिटी इम्प्रूवमेंट। Thank you very much for sparing time for Metro Mirror. I think you enjoyed the interview with Baluapuri madam, and if you have any